पुंडरी से विधायक और हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलान ने शनिवार को अचानक कैथल के बस स्टैंड का निरीक्षण करके कर्मचारियों की हाजिरी की जांच की। एक सफाई कर्मचारी के गैर हाजिर पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। बस स्टैंड पर पीने के पानी और सफाई की व्यवस्था को ठीक करने के आदेश भी चेयरमैन रणधीर गोलान ने दिए। पार्किंग और वर्कशॉप की खाली जगह पर जमा गंदगी पर चेयरमैन रणधीर गोलान ने एतराज जताया। सवारियों की मांग पर शाम 6 बजे के बाद ढां, पिहोवा और कुरुक्षेत्र के लिए बस की व्यवस्था करने के आदेश भी दिए। रणधीर गोलान ने यात्रियों की सुविधा के लिए पूछताछ काउंटर पर हर समय कर्मचारी की मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इस अवसर पर हमने रणधीर गोलान से बातचीत की। ठीक नहीं मिली, पानी के पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है और जो सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर है, और मैंने जीएम को आदेश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी में कोताही बरतते हैं उनको तुरंत सस्पेंड करने का काम करें, और मैंने आदेश दिए हैं जीएम साहब को उनको सस्पेंड किया जाए। और सफाई की व्यवस्था जो मेरा कर्तव्य बनता है, जो मैं अपने हल्के की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, इनकी स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए जो निरंतर मोदी का अभियान है सफाई रखना, उसी दृष्टि में मैंने आज अचानक निरीक्षण किया। एक सरकारी कर्मचारी जिसको सरकार इतनी तनख्वाह देती है, अपनी तनख्वाह में सही तरीके ड्यूटी न देकर गैर हाजिर होने की लिहाज बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट आदेश है, जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी में कोताही बरतेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल बस स्टैंड की व्यवस्था के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।